जन जन के आराध्य ठाकुर बिहारी जी का प्राकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से तैयारी चल रही है। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कल बिहारी जी का प्राकट उत्सव है और बड़े ही धूमधाम के साथ ब्रिज में इसे मनाया जाएगा। तैयारियां जोरों तोरों से हैं, अंदर सजावट जारी है, भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। निधिवन में कल सुबह बहुत ही खास प्रोग्राम होगा, सुबह 5 बजे अभिषेक होगा ठाकुर जी का। जन जन के आराध्य हैं ठाकुर बिहारी जी। बिहारी जी पर अभिषेक होगा राधारमण मंदिर में, पूरे ब्रिज में सब इस दृश्य का आनंद लेंगे। आशुतोष शर्मा वृंदावन से। जन जन के प्राण हैं, उनके दिल हैं हमारे बिहारी जी। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ है जो कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे रसिका पागल बाबा जी गोलोक वास कर चुके हैं, तो उनके रहने पे जो आनंद होता है उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं क्योंकि उनको लेके पूरा ब्रिज मंडल, हाँ पूरा स्तब्ध है। और ये समझ लीजिए कि बिन प्राण के हो गए हैं, तो होगा, ज़रूर होगा। जो कहते हैं ना कि मंगल बधाइयाँ ज़रूर होंगी, लेकिन उस रूप में नहीं हो पाएगा, उस रूप में हम दर्शन नहीं कर पाएंगे जिस रूप में हम करते आए हैं। तो हमें तो कम उम्मीद है, एक तरह से कहते हैं ना प्राण निकल जाए, वही हाल है हम लोग का। लेकिन फिर भी हम आने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि आप सभी भी आएं और बिहारी जी के मंगल प्राट उत्सव का हम सभी लोग आनंद लें। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधे, कृष्ण पूजा का राधे राधे जी। मेरा नाम पूजा हरिवंशी है, वृंदावन से ही। हाँ जी, वृंदावन में ही रहते हैं। जो ठाकुर जी का अभिषेक है, ठाकुर श्री वहाँ के बिहारी जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार पंचमी वाले दिन हुआ था, जो कि कल है सुबह। जहाँ जहाँ वहाँ के बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी अरदास जी, स्वामी अरदास जी जो तानसेन भैजू बावरा के गुरु थे, अपनी संगीत साधना से उन्होंने बाकी बिहारी जी की दिव्य मूर्ति को प्रकट किया था। उसके बाद में उधर उनको विराजमान किया था, जो स्थान पर वो प्रकट हुए थे बाकी बिहारी जी, उधर का पहले पंचामृत अभिषेक होता है सुबह 5 बजे। उसके बाद में यहाँ पे दिन भर पूरा बधाई गायन होता है, पहले समाज गायन होता है, समाज गायन के बाद बधाई गायन होता है, उसके बाद में स्वामी हरदास जी की समाधि की आरती होती है। आरती के पश्चात ही यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें स्वामी हरदास जी अपनी चांदी के रथ में विराजमान होकर गाजे बाजों के साथ नगर में भ्रमण करते हुए बांके बिहारी मंदिर पधारते हैं, उनको बधाई देते हैं, उसके बाद में उधर भोग आता है, फिर आरती होती है।